नमस्कार, मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। फिल्म अभिनेता यूसुफ खान और दिलीप कुमार के निधन पर बिजनौर में भी शोक की लहर। गाजियाबाद में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने फिल्म स्टार दिलीप कुमार के निधन पर मौन धारण कर शोक व्यक्त किया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जैन ने कहा, दिलीप कुमार जी एक बेहतरीन कलाकार थे, उनकी फिल्में हमेशा यादगार रहेगी, उनके अभिनय के सब दीवाने थे। आज फिल्म इतिहास में दिलीप कुमार जैसे अभिनेता के चले जाने से फिल्म जगत में शोक की लहर है। दिलीप कुमार जी के निधन पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया है। दिलीप कुमार जी की फिल्में हमेशा एक संदेश देती थीं। आज उनके जाने से उनके चाहने वालों में मायूसी छा गई है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के वरिष्ठ पत्रकार नासिर हुसैन ने कहा, दिलीप कुमार जी का अभिनय हमेशा दिल छूने वाला होता था, उनके जैसे कलाकार बहुत कम होते हैं। आज उनके दुनिया से अलविदा कहने पर सभी को बहुत अफसोस है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के लिए मौन व्रत किया गया व उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। नजीबा से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। आज दिलीप कुमार साहब का निधन हुआ है, यूसुफ खान साहब का, उसमें क्या कहना चाहते हैं ना सिर्फ? आज दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, तो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। बहरहाल हर इंसान को एक दिन इस दुनिया छोड़कर के जानी है, लेकिन कुछ लोगों के चले जाने से एक जो खला पैदा होता है उसको पूर करना बहुत मुश्किल होता है। और दिलीप कुमार के साथ आपके साथ भी ऐसा ही है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो उनका मकाम था और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को उनके चले जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति शायद मुमकिन नहीं होगी। और उनके साथियों का भी यही कहना है और हमारी जानिब से उनको यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उनका मकाम बुलंद करे। और अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से खराज अकीदत पेश की गई है, उसमें क्या? जी हाँ, हमने आज तमाम ही हमारे साथी दिलीप कुमार और हिंदुस्तानी फनकारों के फैन रहे हैं और बहुत से साथी हमारे उनके भी ज़ाती तौर पर बहुत फैन रहे हैं। उनके इंतकाल से हम तमाम लोगों को और अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के से वाबस्ता तमाम अफराद को लेकर अफसोस है। हमने 2 मिनट का मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि दी है। आज दिलीप कुमार जी का स्वर्गवास हुआ है, निधन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप? दिलीप कुमार जी का निधन पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि एक समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। उसका मुख्य कारण यह है कि दिलीप कुमार एक कलाकार या अभिनेता नहीं थे, बल्कि वो अपने आप एक इंडस्ट्री थे, एक संस्थान थे, जिन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से तो जो संदेश दिया समाज में, एकता का, भाईचारा का, समरसता का, या जो सामाजिक समस्याएं थी उनके माध्यम से उन्होंने अपने विचार रखे, अपना अभिनय किया। लेकिन वास्तविक जीवन में वो एक सरल व्यक्तित्व के और सहज उनका व्यक्तित्व था। उसका कारण यह है कि जितने उनके साथ कलाकारों ने काम किया उन सबका अनुभव यही रहा कि दिलीप कुमार जी बिल्कुल स्क्रिप्ट वगैरह के आधार पर, ऐसा नहीं था ग्लैमराइज हो या बहुत ज़्यादा उनके अंदर बनावट हो या स्टाइलिश हो, वो सिंपली जब काम करते थे, अभिनय करते थे, तो लोगों को ये लगता था उनके साथियों को कि ये तो अभिनय कर ही नहीं रहे हैं, और जब फिल्म पर्दे पर आती थी तो तहलका मचाती थी। यही उनका किरदार था और यही उनका व्यक्तित्व था, जो उनका अभिनय कम और उनके सरल व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करता था पर्दे पर। और उनके जितने फैंस हैं वो आज बहुत दुखी है, और मेरा मानना भी यही है कि दिलीप कुमार जी को हमने खोकर एक बहुत बड़ा नुकसान किया है समाज में। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके संदेश, उनकी फिल्में जो हमारे लिए एक विशेष गौरव का विषय नहीं है, वो हमें याद रहेंगे। आज क्या अखिल भारतीय परिषद की ओर से क्या यह प्रोग्राम किया गया? अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से आज एक शोक सभा यहाँ आयोजित की गई और 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो नसीहतें, जैसा व्यक्तित्व उनका था वैसा भी हम बनने का प्रयास करें, तो भी उनको सच्ची श्रद्धांजलि। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।